हेलो गाइस, शुरू कीजिए ट्रेडिंग जर्नी हमारे साथ। हमारे अंडर ओपन करें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट और आपको मिलेगी हमारे इंट्राडे प्रीमियम चैनल्स की फ्री मेंबरशिप और हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी। उसके लिए आपको करना क्या है, इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ से क्लिक करना है। तो एक वेब पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ क्लियर है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ट्रायल्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करें। हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं, यानी फ्राइडे का। उस दिन का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो प्री मार्केट प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 15,216 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 15,141। तो जैसे कि आपने ये देखा, 5 मिनट का चार्ट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। गैप अप ओपनिंग के बाद एक ज़बरदस्त गिरावट हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव थे, लेकिन जो इंडिया में खबरें आ रही थी फिर से लॉकडाउन हो सकता है, कई जगहों पर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो मार्केट में साफ तौर पर प्रेशर देखने को मिला। गैप अप ओपनिंग के बावजूद सस्टेन नहीं कर पाया और जैसे ही टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट 15,124 और सेकेंड टारगेट 15,107 ये यहाँ पर अचीव हुआ। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था एक क्विकली रिव्यू। अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन वीक खत्म हो चुका है तो वीकली चार्ट को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। ये निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में हमने ये 3 पॉइंट पकड़ के ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी इंडेक्स सस्टेन कर रहा है तब तक ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। और शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अभी भी वीकली चार्ट में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। जो फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया है तो उसके मुताबिक 50% का ये जो लेवल है वो लगातार 4 हफ्ते से यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स क्लोज नहीं हो पा रहा है 15,200 के ऊपर। तो जैसे ही यहाँ से इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर कोई भी सस्टेनेबल मूव आती है तो हमें निफ्टी और तेजी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं और 15,585 ये लेवल्स भी अच्छे होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर अभी भी वीकली चार्ट, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से निफ्टी इंडेक्स अभी भी अप ट्रेंड में है, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए अभी 60 मिनट के चार्ट में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आप देख सकते हैं आर्ली चार्ट में निफ्टी इंडेक्स अभी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। तो अगर यहाँ से निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो यहाँ पर एक स्विंग लो बन रहा है, आप देख सकते हैं कई बार इस लेवल के आसपास 3-4 दिनों पहले इसने सपोर्ट टेस्ट करके एक बाउंस बैक दिखाया। तो कंफर्टेबली फ्राइडे के लो को ब्रेक होने दीजिए, यानी 14,957 के नीचे अगर चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,937, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,915, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और निफ्टी अगर रिकवर करता है यहाँ से, अगर जो 100 EMA के पास हम सपोर्ट देख रहे हैं यहाँ से अगर ज़बरदस्त बाउंस बैक आता है तो ऊपर का कई सारे हर्डल्स है, 50 EMA का है, उसके बाद 20 EMA का है, तो इन सबको क्लियरली ब्रेक होने दीजिए, यानी अराउंड 15,128 जो कि यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था, हो सकता है अभी रेजिस्टेंस का काम करे ये लेवल। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15,145, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,159, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है मंडे के लिए, यानी 15 मार्च के लिए। अभी बैंक निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। बैंक निफ्टी में भी ज़बरदस्त वन वे फॉल हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिला है। तो अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करें इस लो और ये लो को पकड़ के तो हमें यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी मिल रहा है, ये फोर्थ पॉइंट है। ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है कम्फर्टेबली आर्ली चार्ट में या हाफ एन आर्ली चार्ट में, इसके नीचे क्लोज होता है
तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं फ्राइडे के दिन। तो ये होगी हमारी ब्रेकडाउन लेवल, यानी 35,296 ये हमारी ब्रेकडाउन लेवल होगी, और उसके बाद फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 35,219, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 35,119, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ आता है तो रिकवरी होगी, ये जो फॉल आया है इसकी रिकवरी होगी, तो कहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेके फिर से दोबारा टूवर्ड साउथ की तरफ आ सकता है, ये कहाँ नहीं जा सकता। तो यहाँ पर कंफर्टेबली सेम निफ्टी इंडेक्स जैसा इन तीनों हर्डल्स को पार करने दीजिए, यानी 35,868 के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजिशन बनाए मंडे के लिए, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 35,959, ही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 36,050, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ब्रेकआउट लेवल काफ़ी ऊपर है, लेकिन इन हर्डल्स के बीच में पोजीशन लेना भी काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। तो ये मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।